पश्चिम बंगाल में कई मंत्रियों, विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों समेत कई लोगों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव परिणाम जारी होने के करीब 20 दिन बाद हुई बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि महंगे रेस्टोरेंट में भोजन करना और महंगी गाड़ियों में घूमना ठीक है, लेकिन पहले जनता के बारे में सोचें। साथ ही उन्होंने अगली बार टिकट दिए जाने में बड़ी स्क्रूटनी के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट कार्ड्स देखने सीएम बनर्जी ने कहा कि आज बोलने की बारी मेरी है और आप लोग सिर्फ सुनेंगे। इस दौरान उन्होंने मंत्री और विधाननगर विधायक सुजीत बोस पर कोलकाता के राजरहाट में अतिक्रमण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने हावड़ा मध्य विधायक और मंत्री अरूप रॉय और हावड़ा उत्तर विधायक गौतम चौधरी पर जबरन वसूली के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही सीएम बनर्जी ने बल्ली नगर पालिका प्रशासक अमृता रॉय बर्मन को भी आड़े हाथों लिया है। दरअसल सीएम बनर्जी ने कहा कि क्या आपने हाथी बगान के हाल देखे हैं? मैंने शहर को इतना सुंदर बनाया था, लेकिन जब एक नया ओसी आता है और तुरंत ही अवैध तरीके से रहने वालों को साथ ले आता है। ऐसे ही स्थिति गरियाहाट की भी है, जहां रेड़ी वालों ने दोबारा प्लास्टिक के शेड्स लगा ली है। पुलिस और अधिकारी सब देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है, कुछ सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आपको अच्छा जीवन जीने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता है? आप बड़ी कारों में जा रहे हैं, महंगे रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन पहले जनता के बारे में सोचें। टीएमसी के पदाधिकारियों को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी जबरन वसूली या गलत कामों में शामिल है उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने आगे कहा कि भविष्य के चुनाव के लिए टिकट सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे। सीएम बनर्जी के मुताबिक मुझे जबरन वसूली के उस्ताद नहीं चाहिए, मुझे लोगों के सेवक चाहिए। इस दौरान उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट, पानी की सप्लाई, बिजली व्यर्थ खर्च करने, पार्किंग के रैकेट चलने और जबरन वसूली जैसे कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने हावड़ा, हल्दिया और कूपर्स कैंप में कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के गलत कामों की वजह से सरकार की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। अगर मैं गलत काम होते देख सकती हूं, तो आप क्यों नहीं? सड़कें क्यों गंदी हैं? क्या मुझे अब सड़कों पर झाड़ू लगानी होगी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।